प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मणिपुर में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा मणिपुर में विकास योजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विरोधियों पर जमकर बरसे। चुनाव से पहले मणिपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इम्फाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1,850 करोड़ रुपए लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लगभग 2,950 करोड़ रुपए लागत वाली 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला और संस्कृति जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को लेकर पहले की सरकारों की नीति थी डोंट लुक ईस्ट, यानी पूर्वोत्तर की तरफ दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहाँ चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए लुक ईस्ट का संकल्प लिया है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी डोंट लुक ईस्ट, पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। ईश्वर ने इस क्षेत्र को इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, इतना सामर्थ्य दिया है, यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास का प्रवेश द्वार बन रहा है, नए भारत के सपनों को पूरा करने का प्रवेश द्वार बन रहा है, और इसमें मणिपुर और पूर्वोत्तर भारत के भविष्य में नए रंग भर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि पहले दिल्ली में बैठी सरकारें सोचती थी कि कौन इतनी तकलीफ उठाए और कौन इतनी दूर जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। आज जब हम देख रहे हैं कि किस तरह मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट भारत के भविष्य में नए रंग भर रहा है, साथियों, आज यहां एक साथ इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, विकास की ये अलग अलग मणियां है जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद मैं पूरी दिल्ली को भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर आ गया। वो चाहे नेता हो या मंत्री हो, अफसर हो, उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में पूर्वोत्तर के 5 प्रमुख चेहरे हैं जो देश के अहम मंत्रालयों का कामकाज संभाल रही हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारी सरकार की 7 वर्षों की मेहनत का असर अब पूर्वोत्तर में दिख रहा है, मणिपुर में दिख रहा है। आज मणिपुर और पूर्वोत्तर बदलाव की नई कार्य संस्कृति के प्रतीक बन रहे हैं। मणिपुर को केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं से मिल रहे लाभों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि राज्य की जनता ने केंद्र और प्रदेश में बीजेपी को अपना समर्थन दिया। पीएम ने आगे कहा कि एक वोट की शक्ति ने मणिपुर में वो काम करके दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार की वजह से इस क्षेत्र में उग्रवाद और असुरक्षा की आग नहीं है, बल्कि शांति और विकास की रोशनी है। 2014 के बाद मैं पूरे दिल्ली को भारत सरकार को आपके दरवाजे पर लेकर के आ गया। नेता हो, मंत्री हो,
अफसर हो, मैंने सबको कहा कि इस क्षेत्र में आइए, लंबा समय गुजारिए और फिर यहां की जरूरतों के मुताबिक योजनाएं बनाइए। और आपने देखा है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रमुख चेहरे देश के अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। साथियों, आज हमारी सरकार की 7 वर्षों की मेहनत पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है, मणिपुर में दिख रही है। आज मणिपुर बदलाव का एक नई कार्य संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। हमें याद रखना है कि कैसे हमारे मणिपुर को पिछली सरकारों ने ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था, पहले की सरकारों द्वारा हिल और वैली के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। इस दौरान पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला जारी रखते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने मणिपुर को ब्लॉकेड स्टेट बनाकर रख दिया था, घाटी और तराई क्षेत्रों के बीच राजनीतिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में सैकड़ों नौजवान हथियार छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। जिन समझौतों का दशकों से इंतजार था, हमारी सरकार ने वो ऐतिहासिक समझौते भी कर दिखाए हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले ताकि वो अशांति का खेल खेल सकें। मणिपुर के बाद त्रिपुरा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भी राज्य को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अगरतला में 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन किया और 2 अहम विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जाहिर है, पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कई विकास योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं इस साल मणिपुर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना नहीं भूले कि डबल इंजन की सरकार से राज्य के विकास को रफ्तार मिलेगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।